शुद्ध शुद्धि की विचार चल रही थी कि धर्मार्थ व्यवहारार्थ यात्रार्थ इत्यादियों को लेकर अलग अलग हो जाता है, क्या शुद्ध है क्या शुद्ध है। मया आचारो दर्शितो अयम आचारो, मया दर्शित धर्म मुद्वताम धुरम, धर्म का भार को वहन करता हुआ कर्म जड़ बुद्धि वालों के लिए मैंने समस्त आचरणों के बारे में खुद भी व्यवहार करके दिखाया हूँ। भूम्यम व्यग्नि अनिल आकाशा भूतानाम पंच धातव आ ब्रह्म स्थावरादीनाम शारीर आत्मसंयुता। कहते कि देखो भूतानाम माने प्राणी नाम, भूमि अंबु अग्नि अनिल आकाशा, भूतानाम माने समस्त प्राणी नाम, पंच धातव पंचभूतात्मक जितना भी शरीर संसार में है, ब्रह्मा जी से लेकर यहां के कीट पतंग तक के समस्त शरीर पंचभूतात्मक है। पंच धातव धारयंती धातव कारणानित्यर्थ, पांच कारण है सकल शरीरों का कारण पांच ही है। आ ब्रह्म स्थावरादि नाम कह दिया, केवल इस लोक में नहीं ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी से लेकर के यहां तक के समस्त जीवों का जो शरीर है वो पंचभूतात्मक ही है। लेकिन केवल पंचभूतात्मक शरीर तो मुर्दा रहता है, इसलिए कहते आत्मसंयुता शारीरा, शरीराभिमान करने वाला जीवात्मा संयुक्त हुआ है शरीर होता है, तभी यह जीवित रहकर जीव नाम संज्ञा को प्राप्त करता हो घूमता करता है। इसकी शुद्ध अशुद्ध कैसे जानना चाहिए, वेदेन नाम रूपाणी विषमानी समेश्वरी धातु शुद्ध कल्प्यंद एतेषां स्वार्थ सिद्धये। वेदेन नाम रूपाणी, एतेषां प्राणी नाम, नाम रूपाणी मैंने नाम से तात्पर्य वर्ण, रूप से तात्पर्य आश्रम, वर्णाश्रम आदियों की व्यवस्था वेद आदियों के आधार पर हम लोग कर लेते हैं। यद्यपि जन्म से सब मनुष्य, मनुष्य तो मनुष्य, अकौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय कौन वैश्य कौन शूद्र, ये तो बढ़ते एकदम बढ़ते उसको बोल देता है तुम बनिया का बेटा है, तू क्षत्रिय का बेटा है, तू दामू का बेटा है, है? ऐसे उसके दिमाग घुसा दिया जाता है। ऐसे बच्चे को क्या मालूम वो पैदा हो गया कहाँ पैदा हो, ऐसे पता नहीं है। और कहीं का पैदा होगा कहीं छोड़ दो जन्म से ही, और वहां के पास घुसा दो तुम अमुक का बेटा है, वो तो यही बोलेगा मैं अमुक का बेटा हूं। तो हो रहा है ना आजकल अस्पतालों में जो है बच्चों को चुरा इधर के उधर उधर के बेच देते हैं, उन बच्चों को क्या मालूम है किस बाप को किस माँ का, बच्चों को क्या मालूम है। और बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद जहां पैदा जिसने उसको पाला पोसा हो गया तुम मेरा बेटा है, और उसे बोले तू तो भाई क्षत्रिय है, तो उसके दिमाग क्षत्रिय तो घुस गया, अपने आप को क्षत्रिय मानता है, भले उसका गुण कर्म सब दूसरा है। तो इसलिए कहते भगवान ये सारी चीजें हम लोगों ने वेद शास्त्रों के हमारे अपनी बुद्धि में हमने अपने आप डाल लिया है, और कुछ तो ढाल दिया गया है, कुछ स्वयं डाल ले रहे हैं, कुछ तो बचपन से ढाल दिया गया है लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा, परिजनों के द्वारा, इष्ट मित्रों के द्वारा, कई बातें अंदर भर दिया गया, उसी के आधार पर चलते चलते हम लोग बढ़ते जाते हैं, जैसे और भी अपने और बात घुसाते जाते हैं। इसे सारी चीजें वास्तव में आरोपित है इस आत्मा में, कुछ भी सच्चाई नहीं। वेदेन नाम रूपाणी विषमानी समेश्वपि, देखो सब समान है, मनुष्य है, सब समान होते भी उनमें विषमता वेद के द्वारा वर्ण भेद आश्रम भेद के अंदर व्यवस्था दिया गया है। हे उद्धव धातु शुभ कल्प्यंत, इन शरीरों में ही ये सब कल्पना है, शरीर ही तो भिन्न भिन्न है, है मन में कोई जाति पाति होता है क्या, इंद्रियों का कोई जात पात होता है क्या, है इंद्रियों का वर्णाश्रम धर्म नहीं है, इंद्रियों का कोई वर्णाश्रम धर्म नहीं होता, मन का कोई वर्णाश्रम धर्म नहीं है, ये सब बस शरीर को लेकर के बस ऐसा छोटी रखना पड़ेगा, तो ब्राह्मण है तो ऐसा छोटी रखो और ऐसी जनेऊ पहनना पड़ेगा, ऐसा धोती पहनना पड़ेगा, क्षत्रिय है तुमको ऐसे बाल रखनी पड़ेगी, है ना वेशभूषा से आधार पर, और आज हो तो गायब हो गया सब पैंट शर्ट पहन रहे, जा ब्राह्मण क्षत्रिय वही शूद्र सब बराबर है, समत्व में आ गए हैं एक तरह से। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो बिल्कुल अलग अलग था,
पहले वेशभूषा से पहचान लिया जाता था, एक क्षत्रिय वैश्य जो है ब्राह्मण है ये शूद्र है, वेशभूषा से पहचान जाता था, अलग अलग था। तो इसलिए कहते सब जो है इन शरीरों में ही तो वेशभूषा से फर्क कर रहे हो, नामों से फर्क। आज क्या करते जाते नाम, ये कौन है उनियाल अरे ब्राह्मण, ये कौन है ये ठकाल उन्हें ब्राह्मण है ना, ये कौन गुप्ता अरे वैश्य है, ये सिंह बोल दिया वो सिंह चढ़ा हुआ है क्षत्रिय है, ये सिंह मैंने क्षत्रिय, और कुछ भी कुमार लिख दिया ये शूद्र है, ये लग लेते हैं। आजकल तो चल पड़ा है नाम के आधार पर पहचान पाते हैं। अब आजकल नौकरियों के चलो ब्राह्मण लोग अपने घर में क्या स्कूल में क्या लिखवाते हैं, शर्मा को कुछ नहीं लिखाएंगे अश्विन कुमार बस, फसल की अश्विन गिनती हो जाएगा उसकी, नौकरी मिल जाएगी। अरे घर में ब्राह्मण है, कागजों में शूद्र है, क्या फर्क पड़ता है, ये भी चल रहा आजकल। तो इसीलिए कि ये सब व्यवहार क्या रह गया, इसका मतलब सच्चाई क्या है, नए शरीर ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र है, न इंद्रिया ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र है, न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है, न आत्मा है। फिर रह गया केवल खोपड़ी में भर दिया गया उल्टा सीधा, और उसको लेकर हम चल रहे। लेकिन सामाजिक व्यवहार में भगवान खुद ही कहते भाई मैंने सृष्टि ये भी करे चतुर्णे मैं अष्टम गुण कर विभाग अच्छा है, मैंने व्यवस्था दिया है सामाजिक व्यवस्था, इसलिए दिया सर समाज सुचारू रूप से संचालन हो, मानव मनुष्य की जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति की व्यवस्था उनके लिए करने के लिए ऐसे किया गया। जो चतुर्वर्ण की व्यवस्था कट्टरता पर लड़ने के लिए नहीं था, चतुर्वर्ण की व्यवस्था चतुर आश्रम की व्यवस्था जो थी समाज की सुचारू और सुशांति पूर्वक संचालन के लिए था। लेकिन आज हमने उसको कट्टरता भर दिया उसमें, उसका नतीजा हुआ सब उल्टा उल्टा हो रहा है। आद्य शंकराचार्य जब यहां पर धरती पर आए तब उन्होंने भी यही देखा, कट्टरता के कारण से उल्टा सिद्ध व्यवहार होता था, उसी को तोड़ने के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया, फिर दोबारा सनातन धर्म की स्थापना करी, फिर जितने भी झूठा कर्मकांड था सबको हटा दिया, तो अनेकों चीजों सुधार करके चले गए। इन लगता है अब दोबारा उनको आना पड़ेगा या उनके जैसे किसी और को आना पड़ेगा कि ये कदे भगवान ने स्वयं बता रहे सारी चीजें क्यों हुई, ये तेषां स्वार्थ सिद्ध है, सभी को अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ना उल्टा पुल्टा काम कर, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है उन्हें, इसीलिए सब व्यवहार हो रहा है। कहते देशां स्वार्थ सिद्ध है, देश कालादि भावानां वस्तूनां मम सत्तम गुण दोषो विधीयते नियमार्थम कर्मणां। इसलिए समाज में रहता हुआ एक सामाजिक प्राणी भूत जीवात्मा को यह कर्म करने के लिए ही मैंने गुण दोष की व्यवस्था दी है, जितना आपका बुद्धि बनता है उसी हिसाब से गुण और दोष को समझ करके, कैसे गुण दोष समझना है, देश कालादि भावानां है प्रक्रिया भी बता रहे, कहते देश काल आदि के कारण से हम नियमन कर रहे हैं संकोचार्थम इत्यर्थ, यदि भी सब कुछ पृथ्वी है फिर भी कहेंगे नहीं नहीं इससे भी भरतखंड श्रेष्ठ, अरे पृथ्वी तो पृथ्वी भरतखंड भी तो पृथ्वी है, नहीं यहां विशेष बता रहे ये देश विशेष, यहां पर भी काल का निर्णय किस काल में यहां क्या करना है, देश काल वस्तु भी कहां का पैदा हुआ वस्तु लेना, जैसे कलयुग में वर्णन आया शास्त्रकारों ने वर्णन किया कलयुग में पुरुषोत्तम क्षेत्र का लाया हुआ वस्तुओं से कभी हवन पूजा पाठ नहीं होता, और पुरुषोत्तम क्षेत्र क्या है आजकल की भाषा में केरल देश है, केरल देश का चीजों को लेकर के सोमलता वहां होती, बड़ा विचित्र माया देख लो, आज सोम या करना चाहे सोमलता केरल में पैदा होता है, अब वहां का ला करके आप हवन नहीं कर सकते, ये निषिद्ध क्षेत्र का है काल में ना कलयुग में उस क्षेत्र का चीजों को निषेध कर दिया गया, क्यों वहां आप देख भी रहे पूरा ईसाई और मुस्लिम हो गया, हिंदू तो है ही नहीं लगभग, और जो कुछ हिंदू भी कहे जाते हैं वो भी सवेरे शाम आराम से पीते हैं, सब कुछ होता है, तो काफी भ्रष्टाचार सब जगह फैल रहा है इस चीज की। लेकिन ये ना वहां पर जो विशेष रूप है ना उन्हें पहले मालूम कि ऋषियों के त्रिकालदर्शी लोग हैं उन्हें पहले बता दिया, इसलिए वहां की वस्तुओं से हवन पूजा पाठ नहीं करना,
निषेध कर दिया। तो कलयुग में वहां का देश विशेष हो गया ना, तो काल और देश दोनों समृद्ध हो गया। इसे वस्तुओं में भी एक वस्तु है जो उपजदा कहीं हुआ हो उसको ला करके किस प्रकार शुद्ध किया जाता है और कौन सा शुद्ध नहीं होता। अब देख लो शंख क्या है, हड्डी है, एक जीव का हड्डी है वो। अपने बाप का हड्डी भी छू देते हो अपवित्र माने जाते हो, है या नहीं? अपने बाप का है, अपनी माँ का है, फिर भी वो अशुद्ध, उसको छूना नहीं। और ये हड्डी पता नहीं किस जीव का है, कहाँ का, और उसको मुंह में लगा कर वो फूंक रहे हैं, पवित्र है ये भी हड्डी, वो भी हड्डी है। अच्छा, आप कहते हैं माँ का जूठा भी नहीं खाना चाहिए जन्म संस्कार के बाद, है ना? माँ का जूठा भी खाना पाप। और शहद क्या है, शहद क्या है? मधु का झूठा है, नहीं मधुमक्खी का, और उसको आराम से स्वाद से खा सकते हो। हाँ बताओ, चाट क्या खाते? गाय का दूध तो फिर भी श्रेष्ठ है, माँ का दूध के समान माना गया है। और रेशम का कीड़ा है, रेशम क्या है? कीड़ा है, उसका जूठा है, वो जूठा निकलता है और उसके धागे बनते हैं और वो सबसे पवित्र वस्त्र है, उसको धोने की भी जरूरत नहीं। बोलते हाँ, हवा में लटका दी कर दो और फिर पहन लो, कोई जाके चलेगा। बताओ, इतनी पवित्र कर दिया उसको। जबकि एक जीव हत्या किया जाता है उसके लिए और उसकी जूठा है वो पवित्र है। और अपने हाथ से पौधा लगा, रुई बनाया, कोई जूठा नहीं, कोई जीव हत्या नहीं, उस रुई से अपने से धागा बना, कपड़ा बना, फिर भी कहेंगे रोज सुबह शाम धोना पड़ेगा, अपवित्र है। ये सब व्यवस्था क्या है? ये लगता है बिल्कुल उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा व्यवस्था है। कहते हैं उल्टा पुल्टा तुम्हारे लगता है, भगवान कहते हैं हमने बनाया व्यवस्था है, तुमको पालन करना है। हमने जो व्यवस्था दी है, ये विधि किया हमने, ये पवित्र है अपवित्र कह दिया, उसका अनुसार मानो और व्यवहार करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए भगवान कहते हैं ये नियम मैंने किया है उन कर्म कांड करने वालों के लिए, साफ कह दिए, कर्मणाम नियमार्थम विधि एते गुण दोष। एक एक वर्णन करते देश का, अकृष्ट सारो देशानाम अब्रह्मण्यो शुचिर भवेत कृष्ण सारोप्यसौ वीर की कटा संकृते ऋणम। किस देश में मनुष्य को हवन पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, पहला वर्णन कर रहे हैं। कहा अकृष्ट सार, कृष्ण सार मैंने कृष्णेन मृगेन सारा श्रेष्ठ यह कृष्ण मृग, हिरण विशेष, जाति विशेष हिरण का, जैसे बारह सिंह होता है, बारह सिंह भी कहते हैं, वो जिस देश में घूमता फिरता हो उसी क्षेत्र में हवन पूजा पाठ करनी चाहिए। कृष्ण सार मृग जिस देश में भ्रमण करता है वह देश ही पवित्र देश होता है, जिस देश में भ्रमण नहीं करता है अकृष्ट सार देश कहा जाता है, वहां पर कभी पूजा पाठ करने का कोई फल नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, दूसरा नंबर में अब्रह्मण्यो, जहां ब्राह्मणों की पूजा नहीं होती ऐसे मृच्छ देशों में जाकर के कभी भी नहीं करना चाहिए। जब ब्राह्मणों का सम्मान है, शास्त्र में ये वर्णन है कि ब्राह्मण पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, कुल से पिता माता के कुल से विशुद्ध ब्राह्मण कुल के जन्मा हुआ हो, वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे आचार ही नहीं चाहे आचार अनुकूल हो, चाहे भ्रष्ट हो अभ्रष्ट हो, जैसा भी हो, भगवान ने क्या कहा, देखना नहीं कुछ, ब्राह्मण है प्रणाम करो पूजा करो, बात खत्म, तुम्हारा अपना कर्तव्य तुम करो, उसके कर्म को कहां ले जाओ उसकी चिंता तुम्हें क्यों, उसके अपना कर्म है। नृग के कथा में आया तो विस्तार पर वर्णन किया है भागवत। इसलिए भगवान कृष्ण कहते मैं भी देखो, मुझे देखो, मुझे ब्राह्मण देव कहते भी, इसलिए भगवान को, ब्राह्मणों का कट्टर पुजारी थे, कभी कोई किसी भी कोटि का ब्राह्मण आ जाए तुरंत उठ जाते थे और उनका पहला सेवा सत्कार पूजा करते थे, ये श्रेष्ठता बताई गई है। इसे जिस देश में
इस तरह ब्राह्मणों का पूजा सत्कार सम्मान नहीं है, वहां पर यज्ञ पूजा पाठ करना व्यर्थ है। अब्राह्मण्य देश अशुचिर भवेत, ऐसा देशों को हम अशुद्ध देश बोलते हैं। कृष्ण सारोपी, अरे ये कृष्ण सार देश तो बहुत सारे देश है जहां काला मृग कृष्ण मृग घूम रहा है ना। भारत देश तो ऐसा है, हाँ? पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, सब जगह कृष्ण मृग बहुत मिलते हैं। इंडोनेशिया है, ऐसे कई देश हैं जहां कृष्ण मृग जाति विद्यमान आज भी है, लेकिन वहां आज पूजा पाठ नहीं कर सकते, सरकार का ही कानून ऐसा है, अलाउ नहीं करेंगे आपको, लेकिन वास्तव में करना भी नहीं चाहिए। इसलिए कृष्ण सारोप्य सौ वीर वीर की कटा संग्रदे ऋणम, कहते कृष्ण सार देश में भी इन देशों को छोड़ करके बोल दिया कृष्ण सारोपी सोपी असौवीर की कटा स्वीरा सत्पुरुषा तद्वानि सौवीरा की कटोपी शुचिस्यात, उनमें भी जब सत्पुरुषों, इसलिए कृष्ण सार मृग जिन देश में भ्रमण कर रहा है उन देशों में भी जहां सत्पुरुष विद्यमान है, साधु पुरुष विद्यमान है, तपस्या करने वाले विद्यमान है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले, सद्धर्म का मार्ग पर चलने वाले सनातन धर्मी लोग जहां विद्यमान है वहीं पर होना चाहिए। सुवीर और कीकट, कहते कि सुवीर कीकट क्या है, कहते सवई पुण्यतमो देश सत्पात्र मित्र लभ्यते, इसका पहचान क्या है, कहते वही देश का नाम सुवीर देश होता है, वही देश का नाम कीकट देश होता है जहां सत्पात्र उपलब्ध हो जाए, जहां पर ऐसे ब्राह्मण हो जो नित्य सवेरे दोपहर शाम संध्या वंदन करता है, गायत्री मंत्र का जप कर रहा है, घूमते फिरते भी कर रहा है, अपना कर्म पर निष्ठा रखकर काम करता है, सत्पुरुष जहां पर विराजमान है, ऐसे प्रदेश का नाम पुण्यतम देश है, वही सुवीर है, वही कीकर देश है। तद्वर्जितो यह, और उन सबसे रहित होता है वो कीकट, अंग वंग कलिंग आदि विशेष रूपेण, अंग वंग कलिंग गिना दिया। अब भगवान भी इन तीनों से बच के रहना चाहते हैं। एक श्लोक में आया अंग वंग कलिंग ही भक्षितो हम, भगवान को ही खा गए ये लोग, अंग देश के लोग, अंग मने बिहार का पूर्वी पूरा बिहार, बिहार में तीन भाग है ना, मगध है, मिथिला है, अंग अंग मिथिला मगध तीन भागों में, उस बिहार का अंग भाग को विशेष कर देना, और वंग तो पूरी पश्चिम बंगाल, कलिंगपुरा का पूरा उड़ीसा, अंग वंग कलिंग तीनों वही है। इन्होंने क्या किया भगवान, आप क्यों इनसे परेशान हो रहे, इन लोगों ने मेरे को खा गए, अरे आपको कहाँ खाए, कहते हाँ इन लोगों ने अंग देश वालों ने तो मेरा वरा रूप को खाते हैं, सुअर खाते हैं, और वंग वाले हमारे मत्स्य अवतार को खाते हैं मछली, और कलिंग मेरे कच्छप अवतार को खा जाते हैं, कुरुम को खाते हैं, इसीलिए ये सब अपवित्र देश है, इन देशों में जा पूजा पाठ कुछ भी करो सब बेकार जाता है, वहां जाके नहीं करना है, वहां जो पैदा ही हो रहे हो तो वहां करेंगे, वो बात अलग है, नानी लोग वहां जाके करें उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसे कहते अंग वंग कलिंग आदि असंस्कृत में सम्मार्जना शून्यो म्लेच्छ बहुड़ोवा, जहां सम्मार्जना नहीं होता, घरों के सामने रोज धोया नहीं जाता, सफाई नहीं, कुछ नहीं, चार दर गंदगी गंदगी, ऐसे में करने से फायदा नहीं, वहां आह्वान करोगे तो भगवान नहीं आएंगे, देवता लोग नहीं आएंगे, वहां राक्षस असुर तामसी चीले आएंगे वहां, इसलिए अपवित्र देश में भी कभी नहीं करना। और साथ साथ जो म्लेच्छ बहुल है, जो धर्माचरण नहीं करने वाले भोगवादी लोग जहां ज्यादा रहते हैं वहां करने का भी कोई लाभ नहीं होता, ये सब निषिद्ध देशों का गणना कर दिया। और इसके विपरीत शुद्ध देश समझना, कर्मण्यो गुणवान कालो द्रव्यत स्वतएव वा यतो निवर्तते कर्म सदोषो अकर्म का स्मृत, द्रव्य तो काल से शुद्ध शुद्ध सिद्धि दर्शति, काल का शुद्धि और सिद्धि देश का हो गया, अब काल के बारे में बता रहे, कर्मण्यो गुणवान कालो द्रव्यतः माने द्रव्य संपत्या स्वतोवा पूर्वानादि यह कर्मण्य, द्रव्य संपत्या, द्रव्य संपत्या का मतलब क्या,
पत्रे जाते पुत्रे जाते विति पाते दत्तम भवति चाक्षयम्। पुत्र का होने पर व्यतिपात योग में दत्तम भवति चाक्षयम्, वो अक्षय को प्राप्त करा देता है। ऐसे मुहूर्त है, किस मुहूर्त में दान देना चाहिए, किस मुहूर्त में क्या पूजा करनी चाहिए, वो सब चीजों का वर्णन है। एक मुहूर्त चिंतावन पुस्तक छपती है, सब मुहूर्तों का वर्णन किया, कौन सा काम किस मुहूर्त में करना, अधिक से अधिक लाभ लेने के। यदि कोई भी पुण्यकर्म कभी भी कर सकते हो, लेकिन सामान्य फल मिलता है उससे। लेकिन विशिष्ट मुहूर्त में, विहित मुहूर्त में यदि हम कर देते हैं, उससे उत्कृष्ट फल मिलता है, अधिक फल मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं आपको हमेशा मुहूर्त को देख के कर्म करना चाहिए। बहुत लोग यात्रा करनी है तो मुहूर्त देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी, नौवां दिन हम नहीं आएंगे बोल दिया, ठीक कर रहे हैं, मुहूर्त देख के चलना चाहिए। 4/9/14 ये रिक्तता है, उसे रिक्तता, रिक्तता मैंने खाली, कुछ नहीं, अर्थात जाओगे तो लाभ नहीं, आओगे तो लाभ नहीं, नुकसान ही नुकसान होगा उसमें। इसे निषेध किया ना शास्त्रकारों ने, सिद्धा तिथि, रिक्तता तिथि, पूर्णा तिथि नाम रख दिया इन तिथियों को भी। काल को समझ के, मुहूर्त को देख के आना जाना चाहिए। कन्या का जो है विदाई करते हैं, उसे मुहूर्त में विदाई करते हैं, उसका आगमन होता है प्रथम आगमन, द्विरागमन मुहूर्तों से की जाती है। हर चीज का, कोई भी चीज हो, घर में लोहे का सामान लाना है तो देख के लाना पड़ता है, किस दिशा से ला रहे हैं, कौन सी वार को लानी चाहिए, कौन सी वार को नहीं लाना चाहिए। वार कृत्य अलग है, तिथि कृत्य अलग है, और अन्य विशेष कार्यों के लिए मुहूर्त कृत्य अलग होते हैं। ये सामान्य ज्योतिष शास्त्र पुस्तकों में वार कृत्य तो छपते, हम लोग भी जो पंचांग आप देखेंगे ना उसे लिखा रहते, सोमवार को क्या करना, हजामत कब करनी है, कब नहीं करना लिखा है, कपड़े नए कपड़े कब पहनना, कब नहीं पहनना, कौन सी वार में पहनना, तेल कब लगाना नहीं लगाना सर्वाद में, हर चीज है वार कृत्य है। कुछ तिथि कृत्यों का निर्णय, कुछ व्रतों का निर्णय, सारे चीजों की दी गई। कहते उसको देख के करने का नाम द्रव्यतः कर्मण्यो सुतवा पूर्वादि कर्मण्य कर्मार, वही कर्म के योग्य सकार तस्मिन कर्मणि गुणवान, उसमें क्या हो जो कर्म है वो गुणवान कर्म होता है, अर्थात पूर्ण फल देने वाला होता है। स्वतये भवा ये तो यस्मिन द्रव्या लाभे नवा राष्ट्र विप्लवादि नवा कर्म निवर्तते यश्च सुतकादो दशादि लक्षण व कर्म घ कर्म अनहस्मृत सकालो दोष। अथवा अब कई बार परिस्थिति ऐसे आती है जब आप करना चाहेंगे उसे मिलता नहीं, कोई और परेशानी आ गई, सिर्फ कोई बात नहीं, स्वतः संसिद्ध काल जो होते हैं, कुछ ऐसे भी मुहूर्त होते हैं आपको कुछ वहां मिले ना मिले, नक्षत्र अनुकूल नहीं, कुछ भद्र आ गया, कुछ हो गया, कोई आ गया, अरे भाई मकर संक्रांति है कर दो, दिवाली है कर दो, वहां मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां तिथि भी देखने की जरूरत नहीं, यजमान का नक्षत्र क्या है, उसकी चंद्रमा कहां है, गुरु कहां है, क्या बल है, अरे नक्षत्र बल ग्रह बल को गोली मार, कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, स्वत ही सिद्ध काल होते हैं। जैसे रवि पुष्य योग है, गुरु पुष्य योग है, हैं? ये सब विशेष योग होते हैं, लिखा रहता है पंचांग में सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिसिद्धि योग, अमुक सिद्धि, द्विपुष्कर योग लिखा रहता है। उन योगों में आपको पुरुष का या स्त्री का या पति पत्नी कर रहा है कोई कर्म इत्यादि के, उन लोगों का ग्रह योगों को तालमेल करके तारा वाले चंद्र वाले सब देखते हैं ना, ये सब देखने कोई जरूरत नहीं है। स्वतो हुआ याद स्वतः सिद्ध काल हो उस समय कर दो, आंख बंद कर सोचने की जरूरत नहीं, फिर पूर्ण फल मिलेगा। ये तो निवर्तते कर्म सदोष व कर्म का स्मृत, और ऐसे भी काल होते हैं जिसे कर्म करना निषेध कर दिया गया, ये सूतक लग जाए ऐसे कर्म नहीं कर सकते, सूतक दशा हो गया, कोई मर उर गया उसे 10 दिन तक पैदा होने पर, किसी 3 दिन तक, किसी 7 दिन तक, अलग अलग है ना, अपने खुद को पैदा हो गया कि बेटा को पैदा हुआ कि बेटी को पैदा हो जाए उसके संतान हुआ, कहां कैसे हो रहा, कितने गोत्र में दूरी में है वो, है सगोत्री है पर जो है मातुल गोत्री है परगोत्री है या जो है अपना संबंधी का गोत्री है, कि 7 गोत्रों में होता है ना, उसे एक एक गोत्र नियम है अलग अलग है ना, 3 दिन से लेकर के 15 दिन तक की होती है, कहीं 21 दिन तक लास्ट है, तो अलग अलग कर्मों के निर्भर होता है कहां क्या घटना घटी उसी हिसाब सूतक आदि होते उसे निषेध होता है। तो निषिद्ध काल में कर्म करना दोष है अशुद्ध। इस प्रकार से देशवा कालवा द्रव्यों के वर्णन कर रहे हैं,
द्रव्यस्य शुद्धि शुद्धि च द्रव्येण वचनेन च संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वाल्पतयाथवा। द्रव्यस्य शुद्धि शुद्धि च द्रव्येण वचनेन च, द्रव्य का शुद्धि और अशुद्धि द्रव्येण वचनेन च। कैसे होता है? द्रव्य का द्रव्य से भी शुद्धि होती है। कई फल पुष्प लाया आपने, क्या करते हैं? जल छड़क देते हैं, पवित्र पवित्र, वाह सब शुद्ध हो गया। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से शुद्ध कर दिया, लेकिन वो जल भी तो पहले शुद्ध होना चाहिए ना। इसे क्या करेंगे? कोई भी जल लाओ, कोई बात, गंगा जी डाल दिया, उसमें शुद्ध हो गया। लेकिन गंगा जी को शुद्ध करना पड़ेगा क्या? नहीं, वो स्वतः सिद्ध है, स्वतः शुद्ध है। इसे हम लोग मान लिया कुछ स्वतः शुद्ध है, उन स्वतः शुद्ध वस्तुओं से अन्य द्रव्यों को हम शुद्ध कर देते हैं। या पंचगवी लाओ गंगा जी ने, तो कोई बात क्या करें, कहां हर जगह गंगा जी थोड़ी मिलेगी। कहते हर जगह गाय तो मिलती है, पंच द्रव्य बना लेना, उस पंच द्रव्य से वो पवित्र माना गया, उसे सब पवित्र किया, उसे देखो लोग शंका होता है, शौच होता है, सब होता है। गाय कहने से उसका लोग शंका शौच नहीं बोलते, गोबर बोलना है उसको, गोमूत्र कहना उसको, पवित्र है वो। अब उसे आप छड़क देते शुद्ध हो गया मान लेते हैं, पी करके अपने आप को शुद्ध मानते हैं, या नहीं? ये भी दिया है। तो इस तरह से एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का शुद्धिकरण किया जाता है। और कुछ द्रव्य तो वचनेन च शुद्धम अशुद्धम वायति। अरे कैसे पता चलेगा? अरे दुनिया में लोग बोल देते, बड़े लोग बता देते हैं, अरे ऐसा है तो शुद्ध है, ऐसा है तो अशुद्ध है, तो मान लो उसको। कुछ तो परंपरा से मालूम होता है शुद्ध अशुद्ध क्या होती है। जैसे अब कई बार होता है ना पत्थरों के नगों की वगैरह में, अब क्या आपको चलेगा नकली असली, कौन पवित्र है कौन अपवित्र है, पहचाने? नहीं, उसके तो परंपरा से जान सकते हैं। सोना को शुद्ध किया जाता है, आप और हम शुद्ध कर पाएंगे क्या? फूकते फूकते सारा फूक जाएगा, शुद्ध ही नहीं होएगा, सब उड़ जाएंगे। तो नहीं, उसको एक कला है, उसी शुद्धि करने की, वो कला को परंपरा से सीखना पड़ता है, कैसे शुद्ध की जाती है, क्या होता है, पारे का शोधन करना है, वो सीखना पड़ता है। परंपरा से शिक्षा पाई जाती है, ऐसा आसानी से नहीं समझ में आता। वस्त्रों के बारे में, और स्वेटर है रोज धोते हो क्या? है नहीं, क्यों? अशुद्ध नहीं होता है? नहीं। अरे अब ऊन का चीज है ना, परंपरा में सुनने को मिलता है, ऊन का चीज को एक बार दिन में निकाल करके ऊपर सुखा दो, कहीं हवा में हवा लग जाए थोड़ी, पंखा चला दो 10 मिनट और फिर पहन लो, शुद्ध हो गया है। इसे कई वस्तुओं के बारे में द्रव्येण वचन ही न चल, कुछ तो संस्कार है ना। अब लकड़ी वगैरह है छीलना पड़ेगा, बर्तन है क्या करेंगे, गलाओगे रोज रोज? नहीं, उसको धो देते, साबुन लाया, कुछ पाउडर लाया, कुछ राख से करते, कोई मिट्टी से करते, कोई से करता है, लेकिन वो संस्कारेण, संस्कार के माध्यम से शुद्धिकरण की जाती है। अथ कालेन, कुछ तो ऐसा है काल से अपने ही आप हो जाते हैं, जैसे बरसात का पानी है, अब क्या करोगे? काल कर्ण स्वतः शुद्ध हो जाता, मिट्टी बैठ जाएगा, या निर्मल डाल दिया, धीरे 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 मिट्टी धूल कण सारे बैठ जाएंगे, शुद्ध हो गया। लेकिन वेट करना पड़ेगा, फिल्टर में डाल दी तुरंत टप 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 थोड़े आएगा 10 लीटर, टाइम लगेगा, धीरे धीरे उतरेगा, धीरे धीरे शुद्ध होगा। कालेन शुद्धिकरण होता है। जमीन है, हर चीजों की, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो काल से शुद्ध होते हैं। महत्व अल्पतया थवा, कोई चीज ज्यादा है या कम है, ज्यादा होने से पड़े पड़े वो खराब हो जाते हैं, कोई चीज कम रहने से पड़े पड़े खराब हो जाते हैं। इसे ज्यादा होना कम होना, उसके आधार पर शुद्ध अशुद्ध का अनेक वस्तुओं का, भिन्न भिन्न वस्तुओं का अलग अलग प्रक्रिया है। बता रहे थे काले मेघोदगम ग्राह्यम वर्जन्तु त्रयमेव हि, जैसे मेघ का जल है वो कम से कम 3 दिन बाद पीना चाहिए। बादल बरसा हो गया, बरसात का पानी खड़ी है तो उसको इस्तेमाल भी करना हो, जैसे राजस्थान वगैरह में क्या कर रहे हैं, वही पानी को तो पूरे ऐसे सीमेंट बना देते, सारा पानी जाके एक टंकी अंडरग्राउंड भरा रहता, उनको 6-6 महीने उसी से इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कहां से जाएंगे? लेकिन तुरंत कहीं रोक करके उसका पानी का इस्तेमाल नहीं करना, कम से कम 3 दिन बाद करते। अकाले दशरात्रं स्यात्, और अकाल वर्षा हो जाए, वर्षा ऋतु का नहीं, अकाल में जो वर्षाएं होते हैं उन वर्षाओं का तो 10 दिन बाद उनकी शुद्धि मानना उस जल का, 10 दिन दशरात्रं स्यात्। विपरीतेन अशुद्धि परिषित अन्नादिर अशुद्धि, अन्नादि में भी अभी पकाया है तो शुद्ध है, 3 घंटे के बाद थोड़ा अशुद्ध हो गया, 9 घंटे के बाद और ज्यादा अशुद्ध हो गया,
और दिन के बाद तो खाना ही निषेध कर दिया। अब आजकल फ्रिज ने तो बहुत खराब कर दिया, एक दिन बना देते 10 दिन तक उसे रख रख करके खाते रहे, इतना तमोगुणी हो जाता है, तमोगुण ही है। इसी कारण से मन में जो चंचलता वर क्यों होता है, कारण ही है, ये तमोगुणी वस्तु है। फ्रिज रखो उसके लिए ना जो फट जावे, जैसे दूध है अगर रात भर में गर्म के कारण फट जाता है, तो इसीलिए जो फटे नहीं इसे उसको कर दो। पहले होता था घड़ा है, मिट्टी में उसको दबा देते, चारों मिट्टी होता उसके अंदर रख देते थे और रेत डालते थे चारों तरफ से, और बिल्कुल ठंडा रहता, उसे पानी डाल दो बिल्कुल फ्रिज हो गया ओरिजिनल। और आज ये फ्रिज आ गया कोई बात नहीं, उसको भी इस्तेमाल करो, जिसके लिए इस्तेमाल करो उसके लिए इस्तेमाल करो, ये बना के रख दिया 10 दिन खाए जा रहे हैं, बहुत गलत प्रक्रिया है। कहते भोजन के मामले परिशुतान्ना देहे, अन्न भी कैसा परिशुद्ध है, कौन सा अन्न कितना कैसा परिशुद्ध होता है ये भी देखना है। आप मिठाई रख दो बना करके सूखी मिठाई, 10 दिन तक भी अशुद्ध नहीं है, लेकिन भात सुबह का पका शाम को अशुद्ध माना जाता है। अन्न में भी सोचना है, यही व्यवस्था है, कौन सा अन्न कितने दिन के बाद शुद्ध होता है, कौन सा अन्न तत्काल अशुद्ध हो जाता है, ये समझना पड़ता है। ये सब लोग कुछ तो लोक व्यवहार से जाना जाता है, कुछ तो शास्त्रों से जाना जाता है। अंत जाति उपहता नाम तड़ागारी उदगा नाम महत्व अल्पत्वाभ्याम शुद्धि शुद्धि। इसे मान लो अंत्यज है, शूद्र आदि है, वो कोई तालाब पे छू दिया, अब उसकी शुद्धि अशुद्धि कैसे करे। ये छोटा तालाब है, कहते पानी निकाल दो, पूरा पानी निकाल दो, नया पानी आने दो, तब शुद्ध हो गया वो। और बड़ा तालाब है तो क्या करे, तो कहते नहीं पानी निकालना नहीं, उसमें क्या करना, गाय को धो देना, गाय ले जाओ गाय को नहला दो, गाय को नहला दिया तो सारा तालाब पवित्र हो गया। अपनी प्रक्रिया शास्त्र की, ये गो माता है ना, गाय को नहलाने का मतलब क्या, उसमें 34 करोड़ देवता है ना, उन सब को अपने नहला दिया। अब उत्तरी देवताओं का जो स्नान का जो चरणामृत वहां पहुंच गया तो पवित्र क्यों नहीं होगा, भावना पर है ना, और भावना नहीं है तो क्या है, है? भावना नहीं है तो फिर अरे गाय तो गंदी थी, वो सारा मिट्टी मिट्टी पे चला गया, जल तो और प्रदूषित हो गया। आज के अंग्रेज तो यही कहेंगे जल तो और प्रदूषित हो गया, और नहलाते नहलाते थी उसने और भी लोग शंगा कर दी, उसने गोमूत्र कर दिया मूत्र भी चला गया, और गोबर में गोबर भी कर दिया वो भी पानी के साथ चला जाएगा, पर क्या पूरा ही प्रदूषित हो गया, अंग्रेज यही कहेंगे, है बाल भी गिरेंगे सब गिरेंगे, कुछ भी हो लेकिन पवित्र है, कुछ भी नहीं, नहलाओ आराम से नहलाओ नहलाओ तो भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि गौ माता अपने आप पे पवित्र मानी, इसीलिए भावना पर है सारी चीज, भावना पर। अब इतने मुर्दे फेंकते यहाँ गंगा जी में, गंगा जी प्रदूषित हुई क्या, आज तक नहीं हुई, और कितने लाखों वर्षों से मर रहे हैं महात्मा वगैरह सबके मुर्दा वहां डाला जाता है, लाखों लोग मरे, अपने आप बाढ़ आकर के कईयों को मार मार के ले जाती है, वो खुद ही ले जाती, कहां क्या गांव को ले गई, कहां अपवित्र हुई, है केवल भावना नहीं, विज्ञान भी सिद्ध नहीं कर पा रहा है गंगा जी के बारे में, गंगा जल सड़ता क्यों नहीं विज्ञानियों को समझ में नहीं आई, आज तक अकल नहीं समझ में, यहां तक सिद्ध कर दिया गंगा जल को एक ड्रम पानी ले लीजिए उसमें केवल 1 लीटर गंगा जल डाल दो ठीक, फिर एक दूसरा ड्रम ले लीजिए पानी सादा पानी, इस ड्रम में से जिसमें केवल 1 लीटर आपने डाले थे 24 घंटे बाद उस ड्रम के 1 लीटर पानी उसमें डाल दो भी गंगा जल हो जाता है, सेम गुण वाला बन जाता है। कैसे, क्या चमत्कार है गंगा जी में, क्या उसे ताकत है, कभी कीड़े नहीं पड़ते उसमें, जड़ी बूटी वूटी कुछ नहीं, जड़ी बूटी तो वैज्ञानिक नहीं वही बोल रहा है, जड़ी बूटी से आ रहा है ना वो, ना ना फिर वैज्ञानिक लोगों को पकड़ना चाहिए ना कौन सी जड़ी बूटी थी, केमिकल्स पकड़ते हैं ना वैज्ञानिक लोग तो केमिकल्स पकड़ रहे हैं, अदृश्य कैसे हो जाए जड़ी बूटी, फिर अदृश्य कहां से, कहां कमाल है, जड़ी बूटी तो भौतिक वस्तु है, आजकल नहीं ना 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 ऐसा कुछ नहीं, नाम जानते नहीं जानते, केमिकल तो पकड़ में आएगा कौन सी रासायनिक तत्व उस जल में है,
मेडिकल साइंस तो बाल की खाल उतार देती है, आपके खून के अंदर एक एक बूंद में क्या क्या है सब खोल निकाल देते हैं, जल की है जल को फाड़ देते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर देते हैं, उन्हें क्या है, हर चीज केमिकल्स उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज पकड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी चमत्कार नहीं समझ में आ रहे उनको क्या है, वो दैवी शक्ति है ना, तो भौतिक हिसाब से लगाओगे तो थोड़ी घटेगा बात, उस दैवी शक्ति को थोड़ी अपना सकते हो मशीन से, इसे मानना पड़ता है कोई भौतिक शक्ति के कारण से वैसा नहीं है, किंतु दैवी शक्ति के कारण से वह सदा पवित्र रहता है, सदा शुद्ध रहता है, कभी सड़ता नहीं, इसे वो चीज वह इसलिए हमारी भावना जुड़ी है, आज तक भावना क्यों बनी हुई है इसी कारण से, लेकिन वैज्ञानिक लोग इसको मानने लगे हैं अभी, कह रहे भाई सचमुच में है गंगा जी में चमत्कार, इस जल में कुछ विशेषता है, तभी तो नहीं ऐसा है, दुनिया में कहीं ऐसा जल नहीं, किसी नदी किसी तालाब किसी झरना किसी भी कहीं से नहीं मिलेगा ऐसा जल, क्यों, तब उन्हें मानना पड़ रहा है, हाँ भाई ये जो बोलते हैं हिंदू लोग कुछ है, ये गंगा कोई माँ है कोई देवी है कुछ चमत्कार है, इतनी विदेशी इसलिए आते हैं यहां, तो इसलिए 21 चीजें ऐसे हैं जो स्वतः शुद्ध माने गए, उससे अन्य को शुद्ध किया जाता है, ये सब देश काल संस्कार द्रव्य वचन महत्व और अल्पत कम और बेसी इसके आधार पर जो व्यवस्था की जाती है, शक्त्या शक्त्या अथवा बुद्ध्या समृद्धया यच यदात्मने अघं कुर्वन्ति ही यथा देश अवस्था अनुसारतः, शक्त्या अशक्त्या जैसे सूर्य ग्रहण हो जाए, सूर्य ग्रहण हो गया चंद्र ग्रहण हो गया, इस समय विशिष्ट ऐसा अच्छे कर्मों को वैदिक कर्मों को नहीं किया जाता, जब तब करो वो ठीक है, उस काल में जो भी तो वो कर्म कीजिए, उसे अतिरिक्त करना पाप है, कहते हैं शक्ति अशक्ति का तात्पर्य सूर्योपराग आदि सूत का अन्नादे शक्तान प्रति अशुद्धि अशक्तान प्रति शुद्धि, शक्तों के प्रति वो अशुद्धि पैदा कर देगा, अशक्तान बाल वृद्धा तुरान प्रति शुद्धि, लेकिन क्या है अशक्त है जैसे बुढ़े हैं बच्चे हैं उनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता है ना, घर में सूतक लगाए उनको दवाई देनी है जो ये दोनों को भूखे मार रहेंगे, व्रत तेरे व्रत तो तुम्हारी अपनी, बूढ़े बच्चों के लिए कोई व्रत नहीं, रोगी के लिए कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं है ना, जो शक्त है उनके लिए सारा नियम लागू होता है, उनके लिए अशुद्धि हो जाएगा, अशक्त के लिए वो अशुद्धि नहीं है, अशक्त का मतलब क्या बालक है रोगी है वृद्ध है वयोवृद्ध है ना, ऐसे जो लोग हैं उन लोगों के लिए बस निश्चित काल में भी उनको खाना पीना भी पड़ जाए कुछ कार्य भी करना पड़ जाए कोई दोष नहीं होता, इसलिए निर्भर है आप किस अवस्था में हैं उसके आधार पर भी शुद्धि अशुद्धि की व्यवस्था बनती है, और कहते हैं शक्ति शक्तिया अथवा बुद्धिया समृद्धिया च, और बुद्धि के आधार पर भी, बुद्धि का मतलब क्या पुत्र जननादो दशाहत बहिर्ज्ञानीन अशुद्धि अंतर्ज्ञानीन अशुद्धि, मान लो आपको मालूम है अभी 10 दिन बिताने पुत्र जन्म हुए है, मालूम रहते हुए आपने कुछ किया तो वह अशुद्धि का कारण हो गया, मालूम नहीं था है ना, अब बिहार में बच्चा पैदा हो रहा है उसके पति को यहाँ कहाँ रह रहा है उसको खबर कहीं से मिलेगा है, वो पत्र लिखते लिखते पाते थे 15 दिन लग गया, और वो सूतक काल में सारा यहाँ पूजा पाठ भी करता रहा वो, तो भी उसके लिए अशुद्धि नहीं है क्योंकि अज्ञान ही नहीं था उसको, उसे मालूम ही नहीं वहां कोई पैदा भी हो रखा उसके लिए है, इसे ज्ञान के आधार पर भी हम जान रहे हैं और फिर भी कर रहे हैं गलत तो अशुद्धि है, नहीं जानते हैं अशुद्ध काल में कर भी दिया है तो भी वो शुद्ध ही अपने लिए, बुद्ध्या समृद्ध्या च जीर्ण मलवद वस्त्रादे समृद्धम प्रति अशुद्धि, समृद्धि माने आदमी धनी है, आदमी धनी है समर्थ है फिर भी गंदा गंदा कपड़ा पहनता है गलत है, अशुद्ध कपड़ा पहनता है कंजूसी कर रहा है वो पाप है, असमृद्ध भीख मंगा है सड़ा गला कपड़ा पहन रहा है उसके लिए वही शुद्ध कपड़ा है, समृद्धि के आधार पर शुद्ध अशुद्धि निर्णय होता है, आप समर्थ हैं योग्य हैं पैसा है नौकर है या आपने हाथ पैर में ताकत है धो कपड़े आलस क्यों कर रहे हो,
आलस करना ही पाप हो गया। जब आप समर्थ हैं, आप अपना धोइए कपड़ा रोज, क्यों नहीं धो रहे? आप समर्थ नहीं हो तो आपके लिए कोई दोष नहीं। जैसे बीमार पड़े हैं आप, एक ही कपड़ा पहन रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं। इसलिए कहते हैं कि समृद्धिया का अर्थ वही किया इन्होंने, देखो जीर्ण मल बद्ध वस्त्रादि, जीर्ण मलवान वस्त्र है, गंदा वस्त्र है, वह समृद्ध पुरुष के प्रति अशुद्ध है, इन दरिद्र के प्रति शुद्ध है। तथा ही निर्भयेव देशे कुर्वन्ति, न तो चौराद्याकुल है, निर्भय देश में करना, चौरा आकुल देश में नहीं करना। तथा रोगादि व्यक्ति अतिरिक्त युवाद्य अवस्था में भी कुर्वन्ति, रोगादि से रहित युवाद्य अवस्था में करना, बाल्य रोगादि अवस्था न कुर्वन्ति, नहीं ये सब व्यवस्था है शुद्धि अशुद्धि की। देशं कालं तथा आत्मानं द्रव्यं द्रव्य प्रयोजनं उपपत्तिम अवस्थांच ज्ञाता शौचं प्रगल्पयेत्। इसे देश काल अपनी अवस्था द्रव्य द्रव्य का प्रयोजन युक्ति परंपरा और रीति रिवाज इन सारी चीजों को जान करके ही शुद्ध और अशुद्ध की व्यवस्था को समझना चाहिए। द्रव्य से शुद्ध इच्छा और धान्य दार्वस्थितंतूनां रस तैजस चर्मणां कालवाय अग्निमृतो यही पार्थिवानां युतायुतैहि। देखो कौन चीज की शुद्धि कैसे होती है वो भी समझना है, हैं? कुछ कुछ दृष्टांत का समझा रहे। धान्य का शुद्धि काल से, दारू में लकड़ी का शुद्धि वायु से, हड्डी का शुद्धि अग्नि से, तंतुओं का शुद्धि मृत और तोय से, मृत तोय ही है ना, एक एक करके अलग क्रम से मृतिका से, और रस का शुद्धि तोय से, तेजस पदार्थों की शुद्धि पार्थिवों से, चर्मों का युतायुत ही संबंध संबंधों के द्वारा अन्य अन्यों के संबंध संबंध करते हुए। उसका विस्तार अपने टीकाकार कहते देखिए, द्रव्यतस्तु शुद्धिर बहुरूपा इति ताम प्रपंचेति धान्येति दारु लौकिकम ग्रह चमसादि च। लौकिक जो ग्रह चमस इत्यादि पात्र होते हैं उनको हवा में रख दो, हवा लग जाएगा तो शुद्ध मान लिया जाएगा। अस्थि जैसे गज दंत वगैरह, हाथी का दांत वगैरह भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीजें हवा से शुद्ध हो जाते हैं। रसाहा तैल घृतादि, तेल है घृत इत्यादि, उनको दृष्टि से देखने से शुद्ध हो गया। आज अवेक्षण अन्याय है ना, इसलिए आज अवेक्षण अन्याय, वहां कोई दूध से पानी से धोगे क्या? अरे दूध को किसे धोगे, पानी से धोगे दूध को? अरे भाई देखो कोई कीड़ा वीडा नहीं पड़ा कुछ है, ठीक है बात छान दिया हो गया, देख लिया दृष्टि डाल दिया शुद्ध हो गया, दृष्टि से शुद्धि। और चावल वर्ग तो धोगे वहां दृष्टि से नहीं चलेगा, दृष्टि भी डालो और धो भी, अरे कीड़े वीडे भी हटाओ, देखो उसे कंकड़ पत्थर घास फास जो भी सब निकालो, और साथ साथ धोना भी पड़ेगा, क्या डबल काम करना पड़ता है उसमें, है कि नहीं? अलग अलग प्रक्रिया शुद्धि का। ये कहते हैं अस्थि गज रस तैल घृता देह तेजसा स्वर्ण आदियों की अग्नि में है ना, आग में विशेष में जला करके सोना चांदी वगैरह का मल को निकाल शुद्धिकरण किया जाता है। तेजसाम तेषाम पार्थिवानांच रथ्या रथ्या कर्दम घट इष्टकादीनांच यथायतम कालादि विशुद्धि। रथ्या रथ के योग्य मार्ग आदि है उसका कालादि से शुद्धि होती है, कर्दम कीचड़ कालादि से शुद्धि होता है, घट है वह पानी आदि से शुद्ध किया जाता है, ईंट वगैरह को भी पानी से शुद्ध, अनेक प्रकार अलग अलग प्रक्रिया से कालादि भी शुद्धि कर दिया। तत्रापि काकांत जाति उपघात तारतम्येन देशकाल अवस्थाद्य अनुसारेण एव एतेर निश्चयुतायुतैर् मिलितैः ही केवलैश्च। कुछ तो मिल करके है ना, दो चीज आंकों से भी किया आपने और जल से भी किया, कई दो से कई तीन प्रक्रिया से, और जैसे पारे का तो 18 संस्कार बता दिया, 18 संस्कार से पारे का शुद्धिकरण होता है। तो अलग अलग प्रक्रियाएं अलग अलग वस्तुओं के ऊपर निर्भर होता है कहा कितनी करनी पड़ेगी। अमेध्य लिप्तम यद्येन गंधम लेपम व्यपोहति भजते प्रकृति तस्य तच्छौचम तावदिष्यते। अमेध्य लिप्तम यद्येन येना यत अमेध्य लिप्तम
गंधम लेपम व्यपोहति, वह गंध को लेप गंध रेप को उसको दूर कर देता है। तौच मनी शोधगम भवती, अस्पृशंग स्पर्श होने पर भी, अस्पृशों के द्वारा स्पर्श होने का भी जो शुद्धिकरण किया जा सकता है पीठ आदियों का। यावत तक्षण आदि न स्वागत कदे काल से पुनर्ग्रहणम युतत् प्रश्नार्थम, तक्षणादि क्षार अम्लोदकादिना गंधम लेपम च व्यपोहति, पीठ पात्र वस्त्र आदियों में जैसे लकड़ी आदि है उसको थोड़ा रंधा मार दो वो शुद्धिकरण मान लिया उसको, और पात्र है उसको क्षार आदि से धो दो, राख आदि से मिट्टी से धो दिया, और वस्त्र है आम्लोदक आदि से धो देना। विशेष जो है ना आजकल जो बनता है व्हील है सर्फ है वगैरह मिलते हैं आजकल, उनका जल बनाते सोप वाटर आम्लोदक कहते उसको, उसके द्वारा आपने शोधन कर दिया। कुछ चीज ऐसे लेप करके शुद्ध होता है, लिपना पड़ता है ना घर के सामने, क्या है रोज आप लिपते हैं चोखा होता है घर रसोईया उसके अंदर भी सब लेप करना पड़ता है, और लेप नहीं आजकल सब टाइल्स हो गया तो कोई बात गीले कपड़े से कम से कम पोछ दो, कुछ तो करना पड़ेगा ना शुद्धिकरण के लिए। तो इस प्रकार से जो है शुद्धिकरण होते हैं वस्तुओं का, कहते गंधम लेपंच व्यपोहति, स्वगतंच मलम त्यक्ता प्रकृति स्वमेव रूपम भजते, स्वगत मल को त्याग करे प्रकृति स्वयं अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भी कोई वस्तु है स्वयं विकार हुआ और स्वयं विशुद्ध हो जाते हैं, अपने आप होने लगते हैं, अपने आप प्रक्रिया काल क्रमेण होते जाते हैं। जैसे स्त्रियों का वर्णन है, स्त्री है अपने आप पवित्र हो गई है? जब रजस्वला हो जाते हैं तो तीन दिन चार दिन तक वो अपवित्र रहती है, और बाद में कौन सुशुद्ध करता है वो सब अंदर खाने अंदर अपने आप अंदर मशीन साफ हो गया, मशीनरी साफ हो गया वो शुद्ध हो गई, और उसको बाहर से भी शुद्धि की व्यवहार करते नहाना है स्पेशल नहाना धो ये सब करो तो शुद्धिकरण मान लिया, नहीं तो अपना बंद हो गया तो शुद्ध हो गया और क्या रह गया है? तो लेकिन फिर भी एक बाई और प्रक्रिया मन के लिए बना लिया, हाँ भाई ये पवित्र कर दिया गया है। और उसे भी कई जगह तो बड़ा ड्रामा बाजी होता है, बड़ा देख के आश्चर्य होता है, और वो लाते क्या होते हैं वो छलनी होती ना, छलनी छलनी लाएंगे उसे गोबर घुमाएंगे फिर उसे ये दिलाएंगे, अरे दुनिया और लफड़ा करते हैं पवित्र करने के चक्कर में बहुत झंझट होता है। खैर तो इसलिए कहते देखो देश अवस्था अनुसार अमेध्यलिप्तम यद्येना भजते प्रकृति तस्य, और स्वयं ही अपने आप भी पवित्र होने कई वस्तु होते हैं, कुछ अशुद्ध हो जाते हैं कुछ समय पर फिर अपने थोड़े समय के बाद अशुद्ध हो जाते हैं, ये प्रक्रिया उनकी चलती रहती है। जैसे नदियां क्या है बरसात में कितनी अपवित्र हो जाती, इतने पूरा माल मिट्टी गंध भर गया, फिर शरद ऋतु आते आते सब साफ स्वतः ही साफ, कौन लगाया हुआ मशीन फिल्टर लगा दिया है गंगा जी में स्वतः ही हो जाते हैं। इसलिए तो स्वतः ही हो जाने वाले वैसे बहुत सारे वस्तु है, तौचम तावदिश्यते, और कई ऐसे भी है स्नान दान तपोवस्था वीर संस्कार कर्म भी मस्मृत्या चात्मन शौचम शुद्ध कर्माचरे द्विज, स्नान दान तपो अवस्था वीर संस्कार कर्म भी मस्मृत्या मेरे स्मरण से भी बहुत सारी चीज शुद्ध हो जाती है ना, यह पर यह स्मरे पुंडरीकाक्षम है सब आया बिन शुचि, कहते ना जो भगवान का स्मरण कर लेता है ना उससे भी बाह्य और अभ्यंतर की शुद्धि हो जाती है। कहते हैं स्नान से शुद्धि होता है कई चीजें दान से, आपने जो कमाई किया उस कमाई का को थोड़ा पैसा दान दे दो आपका जो धन है वो शुद्ध हो जाएगा। जो दक्षिणा बटोरते हो ना भंडारों में उसे कुछ दान भी किया करो तभी वो धन शुद्ध होएगा, नहीं तो मति खराब भ्रष्ट कर देता है, ये भंडारों के पैसे मति भ्रष्ट कर देता है। इसे भंडारों के पैसे जो इकट्ठा होता है उसे कुछ कुछ कभी कभी किसी न किसी को कुछ दे देना चाहिए, दान दे देनी चाहिए, तो दान की तरह शुद्ध हो जाता है कई चीजें, तप से कई चीज शुद्ध होते हैं, अपराध किया हो जो पाप है अंतकरण पाप से जो है दूषित हो रहा है अंतकरण उसकी शुद्धि तप से ही होगा और कोई रास्ता नहीं उसकी, अवस्था से भी कई चीजें शुद्ध हो जाते हैं। वीर्य सामर्थ्य से शुद्ध होता है, वीर्य मैंने शक्ति ही, अवस्था मैंने कौमार आदि, संस्कार मैंने उपनयन आदि, कर्म मैंने संध्योपासन आदि, दीक्षा इत्यादि के द्वारा शुद्धि होती है। मस्मृत्या तो आत्मनः मैंने साहंकार से करतु हो ये स्नानादि यथायतम तद कार्यानुसार शुद्धिर भवति, यंच शुद्धिर न व्यवहारार्था किंतु विहित कर्मार्थ है। ये शुद्धि जितने वर्णन हुआ ये व्यवहार के लिए नहीं
विहित कर्मों के लिए बात है। ये कर्मांग भूता शुद्धि और अशुद्धि के विचार यहाँ समाप्त कर दिया। इससे आगे अब व्यवहारार्थ शुद्धि शुद्ध बात बताना है। उससे पहले एक दो बात जो सामान्य कथन है वो करना।